टीसीएस दिखा सकते हैं? टीसीएस एक बार जरा स्क्रीन पे टीसीएस को दिखाइए और इन्फोसिस को दिखाइए, तो एक बार जरा इन्फोसिस भी दिखाइए, तो जरा साथ में इन्फोसिस और टीसीएस में से दोनों को एक साथ रखिएगा। हाँ रत्नेश, दोनों में से कोई मैं ऑप्शंस के साथ कैरी करूंगा। अब मेरा क्या ना फ्यूचर वाला गेम हो गया ख़त्म। अब मेरे को लग रहा है कि अगर मेरे को आईटी राइड करना है तो मैं सौदे में फ्यूचर निकाल के ऑप्शन डाल देता हूँ। तो इन्फोसिस की डालूँ कि टीसीएस की डालूँ? अगर कोई डालनी है तो फिर किसकी डालें और कौन सी स्ट्राइक की? डिम्पी जी, अगर दोनों में कंपेयर करें, इंफोसिस और टीसीएस, हालांकि दोनों कंसोलिडेशन में, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को मोमेंटम के हिसाब से करना चाहिए तो टीसीएस में जाना चाहिए ऑप्शन में, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रीमियम भी गलना चालू हो जाएगी, तो टीसीएस का मेरे हिसाब से जाना चाहिए, और उसमें बहुत ज्यादा फार आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस में जाना चाहिए। टीसीएस में मेरे हिसाब से 3700 रुपये का कॉल, ऑलमोस्ट नियर टू द एट द मनी का कॉल ही खरीदना चाहिए, जो 4500 रुपये के आसपास में चल रहा है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी बहुत पास का रहेगा, 30 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि टीसीएस में जो तेजी आ सकती है वो करीब करीब ऊपर में 3740 3750 तक आ सकती है, तो इसमें आपके रहेगी सिर्फ 15 रुपए की, आपको इसमें बन सकते 80 से 90 रुपये तक का इसका टारगेट आ सकता है। ओके ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि टीसीएस के कॉल के साथ जाया जा सकता है।